हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जो भारत के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत के पिता थे। भारत के प्रथम चक्रवर्ती राजा भरत के पिता ऋषभदेव थे, जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। जैन धर्म में तीर्थंकर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ऋषभदेव के पिता का नाम नाभिराज था। ऋषभदेव के पिता का नाम नाभिराज था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। तीर्थंकर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था। अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंश के नरेश थे। अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंश के नरेश थे। तीस वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने अपना गृह त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया। 83-84 दिन तक संभेद पर्वत पर, 83-84 दिन तक संभेद पर्वत पर कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ ने चार व्रत का सिद्धांत दिया। पार्श्वनाथ ने चार व्रत का सिद्धांत दिया। वे कौन कौन से व्रत थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय तथा अपरिग्रह। सत्य हो गया, दूसरा अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, तीसरा अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, चौथा अपरिग्रह अर्थात धन इकट्ठा नहीं करना। पार्श्वनाथ ने चार व्रतों का सिद्धांत दिया। ये चार व्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य अहिंसा अर्थात हिंसा नहीं करना, अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करना, अपरिग्रह अर्थात धन इकट्ठा नहीं करना। बाद में इसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। बाद में इसमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। इस तरह जैन धर्म के पांच महाव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। जैन धर्म के पांच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था तथा ब्रह्मचर्य का प्रतिपादन महावीर स्वामी ने किया था। महावीर स्वामी के माता पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। इस तरह महावीर स्वामी को जैन धर्म विरासत में प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को जैन धर्म विरासत में प्राप्त हुआ था। उनके माता पिता पार्श्वनाथ के
अनुयायी थे, शिष्य थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। अंतिम तीर्थंकर पूछा जाए तो भी वर्धमान महावीर और 24वें तीर्थंकर भी वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म प्रमुख धर्म बना। वर्धमान महावीर के नेतृत्व में जैन धर्म प्रमुख धर्म बना। महावीर स्वामी भी गौतम बुद्ध की तरह क्षत्रिय थे तथा इनका भी ताल्लुक राजघराने से था। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट पुण्यग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र, विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र वैशाली को माना जाता है। तो वैशाली के निकट पुण्यग्राम में 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल से थे तथा माता का नाम त्रिशला था। इनकी माता त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। उनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ। देखिए गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। बहुत मामूली अंतर है, इसलिए इसे अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था जिससे इन्हें प्रियदर्शना नामक पुत्री की प्राप्ति हुई। कहीं कहीं प्रियदर्शनी भी दिया है, प्रियदर्शनी या प्रियदर्शना दोनों एक ही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैन धर्म से संबंधित कुछ और बातों को जानेंगे। धन्यवाद।